दिस इज माई फेवरेट इयर रिंग एंड अनफॉर्चुनेटली मुझसे गुम गई, बट गायब होने के एक घंटे बाद मुझे दो नए सेट ऑफ इयर रिंग्स, एक जर्नल, एक हैंड रिटन लेटर और हैंड पेंटेड बुक मार्क्स मिले, वो भी कुछ रैंडम इंटरनेट स्ट्रेंजर्स से, जस्ट बिकॉज आई होस्टेड माई फर्स्ट एवर मुंबई मीटअप एंड दिस इज हाउ इट वेंट। अरे सुजोए, मुंबई वाली नहीं बैंगलोर वाली क्लिप ऐड करनी है। I hosted my second meetup in Bangalore and this is how it went. एक मिनट, शुरुआत से शुरू करते हैं। So as usual, I'm थोड़ा लेट, पैक्ड है, सब चीजें, सनस्क्रीन लगानी है और थोड़ा चेहरा ठीक करना है एंड I'll be done. मेरी कैब नीचे आ चुकी है, आई थिंक मुझे बाकी का पूरा मेकअप कैब के अंदर करना पड़ेगा। व्लॉग का व्लॉग बन रहा है। व्लॉग का व्लॉग, हमारा पहला वर्केशन। यस, कैसा लग रहा है? मस्त। सो वी आर गेटिंग रेडी फॉर द अंडर 25 डे वन इवेंट एंड दिस इज माय आउटफिट। इसमें मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। एक ये एक्सेसरी है जो कि मुझे लग रहा है कि थोड़ा लाउड हो सकता है, बट इन द सेम टाइम मुझे ये सटल भी लग रहा है। लेजिट बात है कि मैं जब ये पहन के डैड के सामने गई, पापा ने बोला कि ये क्या 50 तोले की चेन है। आई एम डैम श्योर संजय दत्त ने ना वास्तव में भी इतनी मोटी चेन नहीं पहनी होगी। सुबह के समय मेरा ह्यूमर बहुत खराब हो जाता है, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत खराब होता है सुबह के समय। मैं रिपीट क्यों कर रही हूँ सेंटेंस? माय फेवरेट पार्ट इज अप्लाइंग काजल। आई कैन नॉट गो आउट विदाउट काजल, बट मैं बहुत बीमार लगती हूँ। लास्ट इज आईलाइनर और इसके बाद थोड़ा सा ब्लश एंड वी विल बी डन। यार ये यहाँ नहीं लगने का, लोकेशन बदलनी पड़ेगी इस मिरर में, है ना? दिख रही हो? ठीक है, आर्ट है भाई आईलाइनर लगाना। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द डे वन समिट ऑफ अंडर 25 समिट। सॉरी, व्हाट डिड आई, एनीवे we have Kaushika, अच्छे से दिखाओ भाई इसकी शक्ल। We have Nishan and we have Anushka in front. Hi, I'm applying sunscreen. Sorry. That's fine. So we'll see you guys at the summit. A few moments later. Experiencing Bangalore traffic. It's a wonderful experience. One experience that I'd never want to experience again. 3 बजे का पैनल था और मैं 2:50 तक ट्रैफिक में ही अटकी हुई थी। वेन्यू थोड़ी दूर था तो मैं कैब से उतर गई। बैंगलोर का ट्रैफिक ऐसा है, गाड़ी बीच में छोड़ के हमें पैदल चल के जाना पड़ रहा है। समिट का टाइम कितने सब्सक्राइबर है आपके यूट्यूब? आप भाग क्यों रहे हो? 500 मीटर अवे। सोचो जरा, इतनी धूप में ब्लेजर पहन के 800 मीटर भाग के कैसे तो भी मैं टाइम पे पहुंच जाती हूँ। और मुझे पता चलता है कि नहीं नहीं, ऐसे बोला अच्छा हुआ लेट है। आप भाग कर रही हो, आई थॉट आई वाज लेट एंड नाउ दीस गाइस आर टेलिंग मी 1 घंटा डिले। मिडिल फिंगर दिखाने का मन कर रहा है, बट ठीक है, इस दौरान एटलीस्ट मुझे आप लोगों से बैक स्टेज मिलने का तो मौका मिला। श्वेता कपूर, तेजस जोशी एंड दृष्टि शर्मा, एवरीबॉडी मेक अ नॉइज। कॉलेज टाइम पे जब स्पीच देने के लिए प्रोफेसर स्टेज पे बुलाते थे ना, तब मेरा दिल ऐसे धक धक करता था। बट इस दिन आई फेल्ट सो कॉन्फिडेंट एंड इट वाज जस्ट बिकॉज स्टेज पे चढ़ते वक्त मैंने खुद को बोला था आज मेरा दिन। वी आर गोइंग टॉक अबाउट मनी हैक। जितना रूट तुम लोगों ने बैंड के लिए किया था उतना रूट हमारे लिए भी कर लो, अच्छा लगेगा हमें। ऐसी एनर्जी मेंटेन करके रखना, ठीक है, जब तक हम लोग पैनल से उतरते हैं। So my biggest money hack, I would recommend you guys to stay single because relationship cost a lot. Woo! तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं एंड अंडर 25 के डे 2 समिट में हम लोग अंडर 25 समिट के डे 2 इवेंट में हम नहीं जाने वाले। हम लोग प्लान करें कि हम बैंगलोर आसपास घूमेंगे, क्योंकि हम आई थिंक ये सुजोय का भी फर्स्ट टाइम है बैंगलोर में, हम दोनों का भी फर्स्ट टाइम ही है।
तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी जिसमें मैंने लोगों को पूछा था कि तुम में से कोई अगर मुझे बैंगलोर घुमाना चाहता है तो हमें बता दो, हम फ्री है, वी वुड लव टू बी होस्टेड बाय यू गाइस। तो कुछ लोगों ने डीएम किया, आज हम उन्हीं में से ही दो तीन लोगों से मिलने वाले हैं। लेट्स सी हाउ दैट गोज। सो I met Ishika, Tadashka and Disha, Diksha, right? Divya, sorry, I'm sorry. Today and they are showing me around Cubbon Park. Amazing. Huge. Which is huge. ओह बाय द वे, जिस रात हम बैंगलोर आए थे तब अभिषेक और तनिष्का हमें डिनर के लिए नागार्जुन लेके गए थे। मेरी उंगलियां जब उन गरम गरम चावल को मिक्स कर रही थी ना, स्पेशली उस दाल के साथ, ओह हो, बहुत ही बढ़िया खाना था। एनीवेज बैक टू कबन पार्क। दिस एंटायर प्लेस बिकम्स पिंक ड्यूरिंग दिसंबर जैन फेब एंड द ऑपोजिट साइड इज हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका and over there people gather up and have storytelling and you know it's a nice time. Why is the court between like in the park? That is an island. They'll be like, अरे आए हैं चलो कुत्ता घुमा रहे हैं। Maybe people might just let लेते हैं। It's not functional though. It's not functional. After that, we decided कि हम रामेश्वरम कैफे में ब्रंच करेंगे and 35 minutes तक लाइन में वेट करने के बाद I finally had the best dosa of my life. So we are here with Ishwar and he was the one who was with me during the time when I was in TCS. So Ishwar ने मेरी पूरी जर्नी देखी है कि मैं कंटेंट क्रिएटर जब नहीं थी तब और अब जब मैं हूँ। तो अच्छा, जब हम लोग TCS में थे सो शी वाज अ क्वाइट किड जो सिर्फ सेलेक्टेड ऑडियंस के साथ बात करती थी एंड नाउ आई सी हर ग्रोन सो ट्रेमेंडसली और यू नो नाउ शी इज आउटस्पोकन राइट नाउ। बैक देन शी वाज देयर अपोजिट टू व्हाट शी इज राइट नाउ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। Yeah, that's one positive, or you know, that's something that even I'm learning from her. फिर ईश्वर हमें बैंगलोर के श्री बिग बुल टेम्पल दिखाने ले गया, where we saw a 4.6 meter high idol of Nandi, which is said to be one of the biggest in the world. Oh, but wait, मैं वो earring की story तो बताना ही भूल गई। So 29 Jan ko maine apna first meetup rakha tha in Mumbai and it was so overwhelming to meet and interact with you guys in person. Ab kyunki I was born and brought up in Mumbai to wahan ki audience se interact karne mein main kafi comfortable thi. But jab second meetup Bangalore mein host karna tha tab main thodi si nervous thi kyunki naya shahar, naye log, pata nahi kaisa experience hoga. Okay, perfect. So jo meetup hone wala hai abhi uske liye I was thinking ki main सबके लिए कुछ नोट्स लिखूं, हैंड रिटन नोट्स। तो जितने भी लोग जिन्होंने येस बोला है मैंने उन सब के लिए नोट्स बनाए हैं। ये थोड़े बहुत ज़्यादा लग रहे हैं बट एक्चुअली इतने नहीं है। सोच रही हूँ कि 30-35 लोग कुछ आने वाले मीटअप में, तो मैंने सबके लिए पर्सनलाइज्ड मैसेजेस लिखे हुए हैं। आई होप इन सभी लोगों को पसंद आए। आई कांट वेट टू मीट दीज पीपल इन पर्सन एंड या दैट्स इट, सी यू गाइस देयर। अभी लंच के लिए मेरे को ट्रफल्स जाना था जो यहाँ पास में ही है बट कैब बुक नहीं हो रही, इसलिए अभी 10 मिनट का रास्ता पैदल चल के जाना पड़ेगा। पहुंच गए भाई, पहुंच गए। सो गाइस हम फाइनली पहुंच गए हैं ट्रफल्स। देख सकते हो ये जो बंद है ना, हम 10 मिनट तक आए हैं चल के, किसकी वजह से? ओपन दिखा रहा था। मेरा वापस से मिडिल फिंगर दिखाने का मन कर रहा है। A few moments later. क्या हो गया? I'm sorry. ये दो ट्रफल्स क्यों पता रही? सारे कार्ड्स कंप्लीट नहीं किए थे, कुछ 35 कार्ड्स लिखने थे बट मैंने होटल रूम में सिर्फ 20 कंप्लीट किए थे। अभी यहाँ रेस्टोरेंट में आके बाकी 15 लिखे। हम अब थोड़ा सा लेट चल रहे हैं हमेशा की तरह। ट्रफल भी है, इसकी वजह से हुआ है।
हम लोगों 20 मिनट उसने ऑर्डर आने में ले लिया, वहाँ बैठ के मैंने थोड़े लेटर्स लिखे बट फिर वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुए। हाँ 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 हुआ एज अ होस्ट सबसे मुश्किल काम क्या होता है पता है? जितने भी गेस्ट उस इवेंट में आए हैं उन्हें कंफर्टेबल फील करवाना, एंड अगर तो वो गेस्ट एक दूसरे को जानते ही नहीं फिर तो ये टास्क होस्ट के लिए और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। विद्यार्थी भवन का बोला ओवररेटेड, तो मैं इंदिरा नगर वाले रामेश्वरम में। कंटेंट क्रिएशन इज अबाउट द जर्नी, इज अबाउट हाउ यू प्रोग्रेस। स्टोरी टेलिंग कैसे करते हो आप? स्टोरी टेलिंग कैसे करते हैं? मुंह से करते हैं ऑब्वियसली। तो कैसे करते हैं? स्टोरी तुम्हारे दिमाग में आ, दिखाने वाले के दिमाग में नहीं है। अभी जैसे मैंने ये पूरा मीटअप किया, मैंने इतनी सारी बातें बोली, अगर मैं सबसे पूछूं कि तुमने इस मीटअप के बाद क्या क्या सीखा, सबकी अपनी अपनी स्टोरीज होगी। बेस्ट स्टोरी टेलिंग इज व्हेन योर ऑडियंस डजंट इवन नो कि तुम्हें स्टोरी बताई गई है, समझा? इस बात पे ताली बजती है। आफ्टर मीटिंग दीज पीपल आई रियलाइज्ड कि मैं बस फालतू में टेंशन ले रही थी अबाउट मीटिंग न्यू पीपल इन एन अननोन सिटी, बट सब इतना स्मूदली हो गया कि जो लोग पहले एक दूसरे को जानते नहीं थे वो अब एक दूसरे के इंस्टा हैंडल से एक्सचेंज कर रहे थे। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि मैं मतलब दृष्टि से मिल रहा हूँ क्योंकि वो मतलब इतनी बड़ी यूट्यूबर है। मेरे को मतलब सच्ची में ऐसा नहीं लग रहा था कि मिलने वाला है। हमने आपसे मिलने के लिए मैनिफेस्ट किया। बिकॉज काफी अच्छा लग रहा है मीटिंग यू, यू आर द सेम पर्सन सोशल मीडिया में जो हो, यू आर द रियल अमेजिंग दृष्टि अगेन। मैं यूजुअली इंस्टाग्राम यूज करता नहीं, आई मीन लास्ट वन ईयर से, बट फिर मैंने ऐसे ऑन कर लिया कि देखते भाई क्या चल रहा है, और देखा आपका ये था स्टोरी था पहला ही। अच्छा। देखा बोला बैंगलोर, भाई बोला बैंगलोर आ रही है ये। सो या थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। The Bangalore trip ends here. Oh my god. How was it for you guys? Superb. Superb. How was it for you? Loved it. Hello, bye guys. Lovely meeting you all. Bye. So Joy, so the Bangalore trip has finally ended. Yep. How do you feel now? Bittersweet. मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपना कुछ पार्ट यहाँ बैंगलोर में छोड़ के जा रही हूँ। बार बार ऐसा लग रहा है कुछ छूट गया यहाँ पे। एयरप्लेन पे सब हिट होगा धीरे धीरे। सारे चार दिन की मेमोरीज वहाँ सीट पे बैठे बैठे मुझे सब फ्लैशबैक्स आएंगे। So, someone at the airport just recognized you. Not someone, the air hostess, the ground staff. Amazing. I love traveling now. Summit and meetup तो बहुत ही बढ़िया था, but ये feeling काफी overwhelming थी। और इसी के साथ मेरी बैंगलोर की ट्रिप और ये वीडियो बोथ कम्स टू एन एंड। सो गाइज दिस वॉज इट फॉर द बैंगलोर व्लॉग, आई होप यू गाइज लाइक इट, एंड इफ यू डिड देन डू हिट द लाइक बटन एंड यू नो वॉट टू डू इट। नाउ आई विल से दैट नन यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब मारी।